हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके साथ मैं इस बारे में अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ T20 एशिया कप 2022 में, क्योंकि 2 से 3 दिन रह गए और कौमी कप्तान बाबर आजम इंडिया के लिए अकेले ही काफ़ी हैं। बहुत ही अच्छा बयान आया है। दूसरी अपडेट की तरफ चलते हैं। एक और बयान आया है कि पाकिस्तान फिर इस बार विन करेगा और भारत को शिकस्त मिलेगी। ये किसने बोला, ये मैं आपको बताऊँगा। और इकराम गुप्ता ने भी बहुत ही बड़ा बयान दिया है, वो मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जी दोस्तों, स्कॉट स्टोनस ने बोला है, जो न्यूजीलैंड के साबित क्रिकेटर थे, बहुत ही अच्छा बयान आया है कि इंडिया के लिए बाबर आजम अकेला ही काफ़ी है, क्योंकि बाबर आजम बहुत ही अच्छा कर रहा है और इंडिया को बहुत ही ज़्यादा बाबर आजम का डर भी है और अकेला ही काफ़ी है इंडिया के लिए बाबर आजम, क्योंकि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, परफॉर्म दिखा रहे हैं, दुनिया में इनका नाम बन गया है और न्यूजीलैंड के कमेंटेटर और साबित प्लेयर थे, उन्होंने बोला है कि बाबर आजम अकेला ही काफ़ी है इंडिया के लिए। जी अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने बोला है कि इस बार फिर पाकिस्तान विन करेगा, क्योंकि यूएई में समझो हमारा घर है, हमें बहुत ज़्यादा इधर क्रिकेट खेली है और इस कंडीशन को हम समझते हैं और सरफराज को हम कैसे भूल सकते हैं, चैम्पियन ट्रॉफी जिताई है, हमारे साबिक कप्तान है, बहुत ही अच्छी कप्तानी करते हैं। उन्होंने बोला है कि इस बार फिर भारत पाकिस्तान से हराने जा रहा है, बहुत ही अच्छा बयान आया। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। इंडिया से बयान आया है, सीनियर स्पोर्ट इकराम गुप्ता ने बोला है कि 2021 में जो पाकिस्तान ने विन किया था भारत से, इस वजह से पाकिस्तान के साथ बहुत ही ज़्यादा फैन उठ गए हैं, साथ हो गए हैं और टक्कर का मुकाबला होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में अभी पाकिस्तान की टीम ऊपर की तरफ जा रही है, बहुत सख्त टीम बन गया और आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान मजबूत टीम होगी और बहुत ही टक्कर वाला मुकाबला होगा अब 28 अगस्त को। और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।